नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आई एन एन चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। तालिबान पंजशीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इससे जुड़े बगलान सूबे के अंदराब ज़िले में बीती रात बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों ने हमला कर दिया। यहाँ कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लड़ाई शुरू होने के बाद इस इलाके से भी माइग्रेशन शुरू हो गया है। महफूज जगह की तलाश में लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ तालिबान का मुकाबला कर रहे कुछ अस्करियत पसंद कुछ दिन पहले पीछे हट गए थे और पहाड़ों पर चले गए थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने पहाड़ों से ही तालिबान पर हमले शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने कहा है कि पंजशीर में लड़ाकों की क़यादत कर रहे अहमद मसूद उनके साथ आने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने वाला अब कोई नहीं होगा। अहमद मसूद के नॉर्दर्न अलायंस ने जुमे के रोज़ ही तालिबान लड़ाकों से 3 ज़िले छीनने का ऐलान किया था। इन ज़िलों में तालिबानी झंडा हटाकर अफगानिस्तान का कौमी परचम पहरा दिया गया था। तालिबानी भी पंजशीर हमले मामले को जल्दी हल करने के हक में है। उनका मानना है कि पंजशीर के लड़ाकों को खामोश नहीं किया गया तो उन्हें हुकूमत चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने के अहकाम दिए हैं। अमेरिकी एम्बेसी ने अमेरिकियों से कहा है कि एयरपोर्ट के हालात ठीक नहीं है, यहाँ गोलियाँ चल रही हैं और अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिकी शहरियों से अपील की गई है कि वो अभी काबुल एयरपोर्ट के आसपास भी ना जाएं। एयरपोर्ट के हालात सुधरने के बाद हुकूमत नए अहकाम जारी करेगी। अफगानिस्तान में फ़िलहाल 6000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। इनमें कई काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में अफगानिस्तान के 7 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी ब्रिटिश मिलिट्री ने दी है। अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों की काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। दूसरी तरफ तालिबान अफगानियों को मुल्क छोड़ने से रोक रहे हैं। एयरपोर्ट आने वाले रास्तों पर तालिबान का कड़ा पहरा है और तालिबानी हर आने जाने वाले की जाँच कर रहे हैं। माशाल्लाह पंजशीर खत उस मरगिर रवान दी सर उस सात वक्त वर कड़े तो कचेरे तस्लीम सोला तो खतर का और तस्लीम ने सीनो बस इंशाल्लाह पखपल सजा बोर असीगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गया है। इसी सिलसिले में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके चुराई गई यूएस मिलिट्री यूनिफॉर्म और अमरीकी हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं। तालिबानियों के प्रोपेगेंडा चैनलों पर वीडियो को अपलोड किया गया है। इसमें कहा गया है कि बादरी 313 की तैनाती काबुल की अलग अलग लोकेशंस पर की गई है। तालिबानियों की कोशिश है कि अफगानिस्तान पर कब्जे को लंबे वक्त तक बरकरार रखा जाए। तालिबानी लड़ाके दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। अफगान और अमरीकी फौजियों के से खतरे को देखते हुए तालिबान ने बादरी 313 बटालियन बनाई है। इस स्पेशल कमांडो स्टाइल यूनिट को काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तैनात किया गया है। साथ ही तालिबान के सीनियर लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हेबतुल्ला अखुनजादा समेत दूसरे बड़े कायदीन की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। तालिबान बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के जरिए इन कमांडोज की तशहीर कर रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से ट्रेंड और अमरीकी हथियारों से लैस है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बादरी बटालियन के पास अमरीका की M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस हमवी गाड़ी है। इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की क़यादत यानी इख्तदार पर कब्जा करने वाला तालिबान अब दुनिया भर के मुल्कों से रिकग्निशन के लिए तरसने लगा है। मुस्लिम मुल्कों को मनाने के लिए उसके कायदीन दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुनिया के 56 मुस्लिम ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो उसका साथ है। माशी फायदे के लिए हिमायती बने चीन और रूस भी अभी तक तालिबान को रिकग्निशन देने पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आलमी बिरादरी के अलावा अपने मुल्क में भी मुखालिफत झेलना पड़ रहा है। शुरुआत में तालिबान कायदीन को अंदाज़ा नहीं था कि मुस्लिम ममालिक भी उसका साथ नहीं देंगे। पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान से निपटने के लिए सरहद पर अफवाज बढ़ा चुके हैं। दुनिया में मुसलमानों की 62% आबादी इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की में है।
सिर्फ पाकिस्तान बतौर मुल्क तालिबान के साथ है, जबकि पाकिस्तानी आवाम भी तालिबानी पॉलिसीज़ को नहीं मानती। आलमी बरदरी के अहम इस्लामिक ममालिक में से एक भी ऐसा नहीं है जो तालिबान के साथ है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया इस्लामिक इख्तदार पसंद करते हैं, लेकिन तालिबानी कट्टरता को कबूल नहीं करते। 56 मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC बड़ी तंजीम है, लेकिन ये सियासी हैसियत खो चुका है। अफगानिस्तान के मसले में उसका रोल मायने नहीं रखता, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें भी मुस्लिम ही हैं। वेस्ट एशिया के मुल्क इसमें शामिल हों तभी ये कोई नज़रिया पेश कर सकता है, अभी ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। ख़तर को लेकर कन्फ्यूजन है, बाकी सभी गल्फ कंट्रीज तालिबान का साथ देने से इनकार कर चुके हैं। पिछले दो दिनों में इन मुल्कों के अलग अलग तंजीमों ने अफगान हुकूमत की तायद में बयान दिए थे। हालांकि अब ये चुप हैं, फिर भी एक बात साफ ये है कि UAE और सऊदी अरब जैसे अहम मुल्क अमेरिका के पाले में ही रहेंगे, यानी खुद को तालिबान के खिलाफ दिखाते रहेंगे। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 7 जुलाई से 9 अगस्त के दरमियान 1,26,000 लोगों के बेघर होने समेत इस साल के आगाज से मुल्क के अंदर जद्दोजहद के सबब 5,50,000 से ज़्यादा अफगान बेघर हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन ने इस हवाले से दावा किया है। ये एक अक़वामे मुत्तहिदा की एजेंसी है जो पनाह गज़ीनों की मदद, तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ाबतकारी में मुआनत करती है। UNHCR ने कहा कि तालिबान के जरिए काबुल में सदारती महल पर कंट्रोल करने के बाद दहशतगर्द तंजीम की दुश्मनी और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की वजह से हालिया दिनों में हज़ारों अफगानों ने बैनुल अक़वामी सरहदें उबर की हैं। UNHCR ने कहा कि अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी फ़ौजियों के इनखला के बाद मुल्क के बड़े हिस्सों में सलामती और इंसानी हकूक़ की सूरतहाल तेज़ी से ख़राब हुई है। काबुल एयरपोर्ट में फंसे 168 मुसाफिरों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर नामी जहाज़ हिंदुस्तान पहुंच चुका है। ये जहाज़ सुबह तकरीबन 10 बजे गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुँचा। इन मुसाफिरों में 24 अफगान सिख भी शामिल हैं, जबकि 2 अफगान सेनेटर भी जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान आ गए हैं। जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान पहुंचने वाले सेनेटरों में एक का नाम अनारकली है और वो तालिबान के खिलाफ बयान देती रहती थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापस लाया जा रहा है। कई गैर मुल्की भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल के पेश नज़र हिंदुस्तान आए हैं। इससे पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर काबुल से 3 परवाज़ें पहुंची। ये परवाज़ें दोहा ताजिकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान पहुंची। एक फ़्लाइट विस्तारा की, दूसरी एयर इंडिया की और तीसरी इंडिगो की है। तमाम परवाज़ें सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के दरमियान हिंदुस्तान पहुंची। इंडिगो और एयर इंडिया की परवाज़ों के जरिए 250 अफराद हिंदुस्तान पहुँचे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह के हालात हैं उनमें हिंदुस्तानी शहरियों और हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद को निकालना मुश्किल काम है। वहीं वजारत खारजा के तर्जुमान अरविंद बागची ने काबुल से निकाले गए हिंदुस्तानियों के बारे में मालूमात फराहम करते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की जिसमें काबुल से निकाले गए लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को निकालने का अमल आगे भी जारी रहेगा। मोदी हुकूमत में वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी अफगानिस्तान की सूरतहाल के हवाले से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी शहरियत तरमीमी कानून का जवाब पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहकम पड़ोसी अफगानिस्तान की सूरतहाल बताती है कि मुल्क में CAA क्यों ज़रूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हिंदुस्तान में इस मामले पर लगातार बहस हो रही है। एक तरफ जहां तालिबान के हामी और मुखालिफ अपने अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, वहीं कुछ तंजीमें और सियासी जमातें उसका सियासी फ़ायदा भी उठाने की फिराक में हैं। इसी तनाजुर में हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट करते हुए CAA की वकालत की है। ख्याल रहे कि CAA मुल्क के पड़ोसी ममालिक के गैर मुस्लिमों, हिंदुओं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख को हिंदुस्तानी शहरियत फराहम करने की सिफारिश है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाए गए लोगों की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि हमारे गैर मुस्तहकम पड़ोसी से मुतालिक ताज़ा वाक़ा और जिस तरह वहाँ के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि शहरियत तरमीमी कानून क्यों ज़रूरी है। इतवार की सुबह हिंदुस्तान आने वाले 209 अफराद में 24 अफगान सिख भी शामिल हैं। अब वजारत खारजा 222 अफगान सिखों और हिंदुओं को भी वहां से जल्द निकालेगा। एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी करीब 400 हिंदुस्तानी फंसे हो सकते हैं और हिंदुस्तान उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP के खदावर खायद कल्याण सिंह की मौत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अपने नाम के मुताबिक मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल और मफाद अम्मा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। कल्याण सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के उनके
माल एवेन्यू वाक़ रिहायशगाह से बाहर निकले मोदी ने मीडिया नुमाइंदों से मुख्तसर बातचीत में कहा कि कल्याण सिंह ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को वक्फ कर दिया। रक्षाबंधन के मौके पर आज तेल कंपनियों ने आम लोगों को थोड़ी राहत दी है। इतवार के रोज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 20-20 पैसे सस्ते हुए। यहां पेट्रोल 101.64 रुपये और डीजल 89.07 रुपये फी लीटर बिक रहा है, जबकि हैदराबाद में आज पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ है। इससे पहले पेट्रोल के दाम 128 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को कम हुए थे, जबकि इसके बाद 40 बार उसके दामों में बढ़ोतरी की गई। डीजल की बात करें तो इस महीने चौथी बार इसकी कीमत में कटौती की गई। इस महीने की शुरुआत में कच्चा तेल $75 फी बैरल पर था, जो $65 पर आ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में और कमी आ सकती है। 1 जनवरी को पेट्रोल 83.71 रुपये फी लीटर था, जो अब 101.74 रुपये पर है, यानी 8 महीने से भी कम वक्त में ये 18.13 रुपये महंगा हुआ। वहीं डीजल भी 15.60 रुपये महंगा होकर 89.47 रुपये फी लीटर पर पहुँच गया। लॉकडाउन की सख्ती कम होने से अब मुल्क में पेट्रोल डीजल की मांग फिर बढ़ने लगी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वजारत के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में मुल्क में 23,70,000 टन पेट्रोल की खपत हुई। ये जुलाई 2020 के मुकाबले 17% और जुलाई 2019 के मुकाबले करीब 3.5% ज़्यादा है। डीजल की बात करें तो जुलाई 2021 में 54,50,000 टन डीजल की खपत हुई, ये जुलाई 2020 के मुकाबले 12.5% ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को बंद करने के लिए बंदूकों के दहशत का सहारा लेता है तो क्या गलत है कि हम उसे जवाब देने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हैं। सिन्हा ने कहा कि जब तक वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं तब तक वो इस सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मनोज सिन्हा ने सहाफ़ी बशीर असद की किताब कश्मीर द वॉर ऑफ नैरेटिव्स के लॉन्च के मौके पर कई बातें की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने को लेकर कहा कि 5 अगस्त के दिन रियासत में बेहतर हालात दिखाने के लिए फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहाँ हालात बेहतर ही हैं। लोगों ने उनसे कहा कि 5 अगस्त को रियासत बंद होगा, तब उन्हें समझ नहीं आया कि 5 अगस्त कोई ख़ास तारीख है, लेकिन उस दिन कोई हड़ताल या बंद नहीं हुई। एक रिपोर्टर ने दिन के आखिर में उनसे कहा कि उन्होंने डंडे के दम पर ये कैसे यकीनी बनाया कि बंद ना हो। इसका उन्होंने जवाब दिया कि सारा ट्रैफिक चल रहा था और लोग बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रहे थे, ये सब डंडे के ज़ोर पर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मानते हैं तो मैं इसे कबूल करता हूँ। बंद भी तो पाकिस्तान और दहशतगर्दों की बंदूक से होता है, अगर मैंने डंडे का इस्तेमाल किया तो कुछ बुरा नहीं किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर वो साबिक वज़ीरे आला महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में बीजेपी की हुकूमत होती तो शायद कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार हफ्ते को उनके मुनक़िद PDP के एक जलसे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को तकसीम करना चाहती है, बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, अगर बीजेपी ने होश के नाखून नहीं लिए तो इस खूबसूरत मुल्क को काफ़ी नुकसान हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान से इलहाक जम्मू कश्मीर की वजह से नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ था। वो बड़े ही सेकुलर और जमहूरियत पसंद रहनुमा थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपके तशख्स को बरकरार रखेंगे, अगर उस वक्त BJP होती तो शायद कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये
भगवान टूट जाएगा तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से गोलियां बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ इसलिए विशेष कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो दुनिया में कहीं नहीं, और यहाँ के लोग। दिल्ली के जंतर मंतर पर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी के सिलसिले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने हिंदू आर्मी नामी खदामत पसंद तंजीम के सरबराह सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया है। सुशील लखनऊ का रहने वाला है और पूछ-गूछ के दौरान उसने बताया कि वो वकील अश्विनी उपाध्याय के व्हाट्सएप मैसेज को देखने के बाद दिल्ली के जेर तामीर हज हाउस के खिलाफ जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए पहुँचा था। ख्याल रहे कि 8 अगस्त को बीजेपी लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने जंतर मंतर पर द्वारका में तामीर हो रहे हज हाउस के खिलाफ एहतजाज किया था और उसमें मुतअद्दिद खदामत पसंद अफराद को मधु किया था। एहतजाज के दौरान कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। नारेबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया था, ताहम उसे अदालत से जमानत मिल गई। उसके अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक विनीत क्रांति, प्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रीत सिंह सेवा इंडिया फाउंडेशन का डायरेक्टर है, जिसके बैनर तले 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया था। इस मामले में पुलिस मुलजिम भूपेंद्र चौधरी और पिंकी चौधरी को भी तलाश कर रही है। हाल ही में पुलिस ने गाजियाबाद के कई मकामात पर छापे भी मारे थे। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का लीडर है, वो मुसलसिल सोशल मीडिया पर सरगर्म रहता है और टीवी इंटरव्यूज भी दे रहा है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की पहुँच से दूर है। इश्तियाल अंगेज नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल अनिल की शिकायत की बुनियाद पर कैनॉट पैलेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। अनिल के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन सुबह 9 बजे के करीब बगैर किसी इजाजत के जंतर मंतर पहुंच गए थे। महाराष्ट्र के शिवसेना एमपी संजय रावत ने अफगानिस्तान में बने हालात का तखावल हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त से किया। उन्होंने इसमें एक नया एंगल भी जोड़ा है। शिवसेना के मौतपी सामना में अपने वीकली कॉलम रोक टोक में संजय रावत ने लिखा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त जैसी है। वहां के हालात याद दिला रहे हैं कि किसी मुल्क का वजूद खत्म होने का दर्द कैसे होता है। संजय रावत के मुताबिक अगर नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो मुल्क का बंटवारा रोका जा सकता था। अगर ऐसा होता तो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दरअसल यौम आज़ादी से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाने का ऐलान किया था। संजय रावत ने लिखा कि जब तक बंटवारे से अलग हुआ हिस्सा वापस मुल्क में शामिल नहीं हो जाता तब तक बंटवारे का दर्द कैसे कम हो सकता है, मन को शांति कैसे मिल सकती है। हमें लगता है कि अखंड भारत बनना चाहिए लेकिन यह मुमकिन नहीं लगता। हालांकि हमारी उम्मीद बनी रहेगी, अगर मोदी अखंड भारत चाहते हैं तो उनका खैर मकदम है, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के 11 करोड़ मुसलमानों के बारे में क्या करेंगे। रावत ने कहा कि अखंड भारत की वकालत करने वालों ने मुस्लिम लीग और टू नेशन थियरी का आइडिया मान लिया है और उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अलग वोटर्स के तौर पर पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद मुसलमानों को अलग वोटर्स मानने से इनकार कर दिया था। जब गांधी जी ने मुस्लिम कायदीन की गलत मांगे नहीं मानी तो कई कायदीन कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्विटर अकाउंट हफ्ते की शाम को हैक कर लिया गया। हैकर ने उसे शत्रुघ्न सिन्हा की जगह स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क का नाम दे दिया। प्रोफाइल फोटो से भी हैकर ने छेड़छाड़ कर इसे बदल दिया, लेकिन एक्टर को कई घंटों तक इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा का अकाउंट हैक करने वाले ने प्रोफाइल का नाम और DP तो बदल दी थी, हालांकि इसका पासवर्ड नहीं बदला था। ऐसे में एक्टर भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब एक्टर ने ट्वीट किया तो हर किसी की नज़र उनके बदले हुए प्रोफाइल नेम और DP पर पड़ गई। एक्टर ने ट्वीट में शशि थरूर के साथ बातचीत पर ट्वीट लिखा था, दो पॉपुलर इज्जतदार अपनाने वाले और काबिल सियासी कायदीन के बीच बेहतरीन बातचीत।
लेकिन जब लोगों ने उनकी तवज्जो वहाँ पे मरकोज करवाई कि आपका ऑलरेडी ये ट्विटर हैक हो चुका है, डीपी कोई बदल चुका है, तब उनको पता चला कि उनका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है। हालांकि अब दोबारा उनकी डीपी और नाम बदलकर उसे ठीक कर लिया गया। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज रात 9 बजे तक कोरोना के मजमुई केसेस की तादाद 21,23,48,831 हो चुकी है, जबकि अब तक 44,41,210 अफराद इससे जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,80,00,000 के करीब लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 1,11,490 के करीब लोगों की हालत तश्वीशनाक है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 31,023 कोरोना के नए केसेस मिले और 38,577 लोग ठीक हुए। लगातार दूसरे दिन ठीक होने वालों की तादाद नए मरीजों से ज़्यादा है। इसके अलावा 401 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 3,16,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 7,960 की कमी हुई। फिलहाल 3,47,000 एक्टिव केसेस हैं। वहीं केरल में 4 दिन बाद 20,000 से कम केसेस आए, साथ ही ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ी है। कल रियासत में 20,836 लोगों ने बीमारी को मात दी थी। टोक्यो ओलंपिक के कामयाब इनेकाद के बाद अब पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। पैरा ओलंपिक खेलों का आज ओपनिंग डे हो चुका है और इन खेलों का इनेकाद 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच किया जाएगा। पैरा ओलंपिक को भी कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दिया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के पैरा एथलीट यानी फिजिकली हैंडीकैप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेलों की तरह ही हर 4 सालों के बाद इन खेलों का इनेकाद कराया जाता है। इस बार टोक्यो में 21 मैदानों पर सभी इवेंट्स कराए जाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इस बार जुमला 136 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 2 मुल्क पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में डेब्यू करते नजर आएंगे। इन 2 मुल्कों में भूटान और गुयाना के नाम शामिल हैं। साथ ही रूस और ओसी के रूप में यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन जारी रखेगा, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का एक भी एथलीट इस बार पैरा ओलंपिक में नज़र नहीं आएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक के दौरान जुमला 3,686 एथलीट अपने खेलों का जलवा बिखेरते हुए नज़र आएंगे। 13 दिनों के दौरान 22 खेल खेले जाएंगे और जुमला 540 इवेंट होंगे, जबकि ज़्यादातर खेल ओलंपिक के बराबर हैं और जो कंपटीशन के रूल्स हैं उनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इस बार हिंदुस्तान के लिए 54 खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले वालों का अब तक का यह सबसे बड़ा डेलीगेशन है। रियो पैरा ओलंपिक के दौरान हिंदुस्तान से 5 खेलों के लिए सिर्फ 19 खिलाड़ियों का ग्रुप भेजा गया था, लेकिन इस बार रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये 9 अलग अलग खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मशरकी मेक्सिको में आए समुद्री तूफान ग्रेस की जद में आने से कम 8 अफराद की मौत हो गई और 3 अफराद लापता हो गए। वीराकर क्रूज सूबे के गवर्नर के गार्सिया ने इतला दी कि गार्सिया ने बताया कि सुबह 205 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ वीरा क्रूज पहुंचे समुद्री तूफान से 20 से ज्यादा बल्दियात में सैलाब आ गया। ये इस मौसम का दूसरा अटलांटिक तूफान है। उन्होंने कहा कि तूफान से कम 8 अफराद की मौत हो गई और 3 अफराद लापता बताए गए हैं। गवर्नर के गोर्सिया ने कहा कि तूफान से मुतासर इलाकों में पुलिस और फौज के जवान राहत रसानी के कामों में मसरूफ़ हैं। तूफान के बाद आए सैलाब का पानी घरों में भर गया है और सड़कें जेरे आब आ गई हैं। उन्होंने कहा कि नोताला बल्दिया में तूफान और सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में फसलें तबाह हो गई और सड़कें जेरे आब आ गई हैं।
पिछले एक साल से हम कोरोना वायरस के साथ हालत जंग में हैं और हर दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई चल रही है। लोग सेहत की हिफाजत के लिए अवामी मकामात पर जाने से परहेज कर रहे हैं। हुकूमत और डॉक्टर्स की जानिब से भी बार बार यही मशवरा दिया जा रहा है। इन हालात में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के बजाय शख्सी गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं ताकि वो आलमी वबा से महफूज रह सकें। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ लॉकडाउन ने लोगों की मईशत को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया। ऐसे में लोग नई गाड़ियों के बजाय सेकेंड हैंड गाड़ियों की ख़रीदारी की तरफ रागिब हो रहे हैं और इन हालात में हुकूमत की जानिब से नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया जो कि आम आदमी के हक में नज़र नहीं आती। आइए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि नई स्क्रैप पॉलिसी है क्या, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा या नुकसान। इस पॉलिसी के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिल पाने की सूरत में 15 बरस के बाद उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। खानगी गाड़ियों के लिए तजवीज़ है कि उन्हें 20 साल के बाद रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना होने की सूरत में अनफिट पाए जाने पर उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों के लिए उनके शुरुआती रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 बरस की मुद्दत तकमील हो जाने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इजाफी फीस अदा करनी होगी। इस पॉलिसी के तहत मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायतों, रियासती ट्रांसपोर्ट की कंपनियों, सरकारी सेक्टर की कंपनियों और खुद मुख्तार इदारों की तमाम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 बरस मुकम्मल होने के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकारी दफातर वगैरह में रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में खसूसी बजट से गाड़ियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी के लिए मुमकिन है? अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो किस्तों पर गाड़ियां खरीदते हैं। गौर कीजिए कि बैंक में भी कर्ज की मंजूरी के लिए उम्र का पैमाना मुकर्रर है। अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा लोन नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर कोई शख्स 30 साल की उम्र में एक गाड़ी खरीदता है और 20 साल बाद जब उसकी उम्र 50 साल की हो जाती है तो उसे नई गाड़ी खरीदनी होगी, क्या बैंक उसे गाड़ी खरीदने के लिए लोन फराहम करेगा? इसका क्या होगा? ये वो सवाल है जो आम आदमी के जहन में नई स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उठ रहे हैं। हुकूमत के आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और 34 लाख लाइट व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। तकरीबन 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। अगर हम नई और पुरानी गाड़ियों की ख़रीदारी का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि नई गाड़ियों के मुकाबिल पुरानी गाड़ियों की खरीदी के रुझान में इजाफा हुआ है। रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सेलोन के मुताबिक जारिया साल ताहल 36 लाख इस्तेमाल शुदा और 26 लाख नई गाड़ियां खरीदी गई। इन आदाद और शुमार से पता चलता है कि सेकेंड हैंड गाड़ियों की मांग में किस हद तक इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने वालों के लिए बास फवायद का ऐलान किया गया, लेकिन ये आम आदमी के लिए इतने पुरकशिश नज़र नहीं आते। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि इस स्कीम के तहत गाड़ी स्क्रैप करने के मराकज़ के ज़िम्मेदारों को यह अख्तियार दिया गया है कि वो गाड़ियों की कीमत तय करें। कहा जा रहा है कि ज़्यादा पुरानी गाड़ियां फिट गाड़ियों के मुकाबले 10 से 12 गुना ज़्यादा माहौल को आलूदा करती हैं और सड़क की हिफाजत के लिए ख़तरा है। हुकूमत का दावा है कि पॉलिसी के मकासद में पुरानी और ख़राब गाड़ियों की आलूदगी को कम करना और माहौलियात से मुतालिक अहद को पूरा करने के लिए ऐसी गाड़ियों से फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी को रोकना है। बेशक हुकूमत के अगराज व मकासद इस पॉलिसी के लिए शायद बेहतर हों, लेकिन यह फ़ैसला आम आदमी के हक़ में नज़र नहीं आता क्योंकि इस पॉलिसी से जहां सेकेंड हैंड गाड़ियों की फ़रोख्त में ज़बरदस्त गिरावट आएगी, वहीं दूसरी तरफ ना ही लोग अपनी पुरानी गाड़ी को मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त कर सकेंगे और ना ही हालात उन्हें नई गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त देंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए हुकूमत का ये फ़ैसला एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं जैसा साबित होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वक्त और हालात इस तरह की पॉलिसी के लिए मुनासिब हैं? नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।